नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रिकेट टॉक। दोस्तों, आईपीएल 2020 के ऑक्शन शुरू होने से पहले सभी टीम कर रहा है अपनी पुरानी असफल खिलाड़ियों के ट्रेड या फिर रिलीज। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे खिलाड़ियों के बारे में जिनको केकेआर इस साल करने वाली है रिलीज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सन 2012 और 2014 में आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद केकेआर के तरफ से उस तरह का परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला और हर साल सभी टीम एक नए उम्मीद के साथ मैदान पर उतरते हैं। तो आईपीएल 2019 के परफॉर्मेंस के ऊपर नजर रखते हुए इस साल केकेआर बहुत सारे खिलाड़ियों को करने वाला है रिलीज। तो जानते हैं कौन कौन है उस लिस्ट में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस लिस्ट में पहले स्थान पर है रिंकू सिंह। केकेआर ने इस प्लेयर को अपने टीम में शामिल किए थे डोमेस्टिक क्रिकेट में उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए, पर एक अच्छे फिनिशर के तौर पर खेलने वाला ये प्लेयर केकेआर के लिए पूरा फ्लॉप निकला। 2019 के आईपीएल में 5 मैचों में सिर्फ 37 रन बनाए थे। तो नंबर 2 पे है प्रसिद्ध कृष्णा। एक युवा क्रिकेटर के तौर पे कम क्रेडिट में खरीदने वाला ये प्लेयर आईपीएल जैसे खतरनाक टूर्नामेंट में अपनी छाप फैलाने में असफल रहे। 2019 के आईपीएल में प्रसिद्ध कृष्णा 11 मैचों में सिर्फ 4 विकेट चटकाए, वही रन दिए थे 336। तो नंबर 3 पे है रॉबिन उत्तपा। जी हाँ दोस्तों, बहुत साल बाद इस साल केकेआर अपने टीम के इस खिलाड़ी को छोड़ने वाले है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जो आपको आई बटन में मिल जाएगा। इस साल के आईपीएल में रॉबिन उत्थपा 12 मैच खेल के सिर्फ 283 रन ही बनाए थे। नंबर 4 पे है लॉकी फर्गुसन। न्यूजीलैंड के इस फास्ट बॉलर को केकेआर ने 1.60 करोड़ में अपने टीम में शामिल किए थे। 2019 के आईपीएल में ये प्लेयर उतने अच्छे फॉर्म में नजर नहीं आए थे। 5 मैचों में सिर्फ 2 विकेट चटकाए और रन दिए थे 183। नंबर 5 पे है कार्लोस बेतुएत। वेस्ट इंडीज टीम के T20 कैप्टन रहने वाला ये प्लेयर को केकेआर में ज्यादा मैच खेलने का मौका नहीं मिला, पर फिर भी इस प्लेयर का आईपीएल हिस्ट्री बिल्कुल भी सही नहीं है और केकेआर टीम में अंदर असल क्रिस लिन और सुनील नारायण जैसे प्लेयर रहते हुए इस खिलाड़ी को कभी भी टीम में जगह नहीं मिलेगा। तो इस साल केकेआर कर देंगे इन्हें रिलीज। नंबर 6 पे है निखिल नायक। हार्ड हिटिंग बैट्समैन के तौर पे टीम में शामिल होने वाला ये प्लेयर आईपीएल 2019 में सिर्फ 1 मैच में ओपन किए थे और उसी मैच में 16 बॉल खेल के रन बनाए थे सिर्फ 7। तो इसे भी केकेआर इस साल अपने टीम से बाहर करने वाला है। नंबर 7 पे है जो डेनली। टीम में ज्वाइन किए थे क्रिस लिन के सब्स्टिट्यूट प्लेयर के तौर पे, पर क्रिस लिन के रहते हुए केकेआर कभी भी इस प्लेयर के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करने वाले हैं। तो 2019 में 1 मैच खेलकर रन बनाए थे 0। नंबर 8 पे है केसी कारियप्पा। कुलदीप यादव को ना खिला के एक मैच में केकेआर टीम इनको खिलाए थे और उस मैच में हाथ खोल के रन दिए थे। एक मैच खेल के कोई भी विकेट ना चटका के रन दिए थे 34। तो इस साल होने वाले है केकेआर टीम से रिलीज। अब आखिर में है संदीप वारियर। कमलेश नगरकोटी के चोट के कारण इन्हें टीम में शामिल किए थे। 3 मैचों में सिर्फ 2 विकेट चटकाए थे। तो ये भी होने वाले हैं टीम से रिलीज, क्योंकि नगरकोटी टीम में शामिल होने वाले हैं तो इनको टीम में कोई जरूरत नहीं है। तो ये था वो प्लेयर जो 2020 में केकेआर के टीम से होने वाले हैं बाहर, और इनके बदले में केकेआर चाहेगा ग्लेन मैक्सवेल, ओएन मॉर्गन और क्रिस ओक्स जैसे खिलाड़ियों को खरीदा जाए। तो आपको क्या लगता है और किसको करना चाहिए टीम से बाहर, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।